तो ये है अभी तक की दुनिया में दी गई 5 सबसे खतरनाक सजाएं और टॉर्चर। इन सभी टॉर्चर के बारे में जानने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पर है दी सॉ टॉर्चर। आप सभी ने सॉ तो जरूर देखा ही होगा, यानी कि आरी। हम इंसान अक्सर इस आरी का इस्तेमाल वुड्स यानी कि लकड़ी काटने के लिए करते हैं, पर पहले के ज़माने में इस आरी से कुछ और भी काम किए जाते थे। ये आरी प्राचीन काल में टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जाना माना तरीका था, जिसमें इंसान को आरी से ज़िंदा काट दिया जाता था। पर दंड देने वालों ने इसे और दर्दनाक बनाने के लिए एक तरीका निकाला। दंड मिलने वाले इंसान को उल्टा टांग कर उसकी दोनों टांगों के बीच वाली जगह से आरी से काटना शुरू करते थे, और उल्टा लटके होने की वजह से ज़्यादा खून दिमाग में जाता था और इंसान जल्दी से बेहोश भी नहीं होता था, जिस वजह से आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता था और आखिर में खौफनाक और दर्दनाक मौत हो जाती थी। आरी से दी गई मौत, ये तरीका पर्सिया में इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2, क्रोकोडाइल शेयर्स। अब ये सबसे खतरनाक मेल टॉर्चर्स में से एक था। क्रोकोडाइल शेयर एक टॉर्चर डिवाइस था जो काफ़ी पहले यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। ये सज़ा खासकर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो राजा को मारने की कोशिश करते थे। ये क्रोकोडाइल शेयर मेटल के ब्लेड से बने होते थे और इनके ब्लेड के अंदरूनी हिस्से पर बहुत सारे स्पाइक्स लगे होते थे, जिसे कभी कभार इंसान की उंगलियां भी पिचका दी जाती थी। पर इसका सबसे आम इस्तेमाल आदमी की मेन पार्ट को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता था। जी हाँ, सही सुना आपने। इस क्रोकोडाइल शेयर को काफ़ी देर तक गर्म करके फिर उसे आदमी के मेन पार्ट पर लगा दिया जाता था और उसे इंसान के शरीर से उखाड़ दिया जाता था। सोचकर ही कितना दर्दनाक लगता है। तो अगर आप मेल हो तो आप इस दर्द का अनुमान शायद लगा ही सकते हैं। नंबर 3, बॉइलिंग टॉर्चर। जहां आजकल हम लोग सेल्फिश को जिंदा उबालते हैं, वहीं कुछ सालों पहले इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता था। ईस्ट एशिया से लेकर इंग्लैंड तक ये टॉर्चर काफ़ी प्रसिद्ध था। मुजरिम के सब कपड़े उतार कर उसे एक उबलते हुए पानी या फिर पॉट में रख दिया जाता था, और कभी कभी इसे और दर्दनाक बनाने के लिए पहले उसे ठंडे पानी में रख कर फिर उसे उबलते पानी में डाल दिया जाता था। कभी कभार तो पानी को 2-2 घंटे तक लगातार उबाला जाता था, जब तक वो इंसान दम न तोड़ दे। वैसे ये सज़ा आखिर कितनी दर्दनाक है वो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज भी 1 सेकंड किसी उबलते हुए पानी में उंगली डाल दे तो कितना दर्द होता है वो तो आप सभी को पता ही है, और इसमें तो इंसानों को 2-2 घंटे तक उबलते हुए पानी में रखा जाता था जब तक उनकी दर्दनाक तरीके से मौत ना हो जाए। नंबर 4, सीमेंट शूज। ये टेक्निक अमेरिकन माफिया लाया था अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए, जिसमें अपराधी के पैर सिंडर ब्लॉक में रख कर ऊपर से वेट सीमेंट डाल दी जाती थी। जैसे ही वो सीमेंट सूखती थी तो उस अपराधी को जिंदा किसी समुद्र में फेंक दिया जाता था, ताकि वो इंसान डूबते डूबते समय खुद को बचाने के लिए तैर भी ना पाए। शायद इसलिए ही ये सज़ा टॉर्चर कहलाती है, क्योंकि आप इतने बेबस और लाचार कर दिए जाते हैं कि आप खुद की जान भी नहीं बचा पाते हैं। नंबर 5, एलिफेंट एग्जीक्यूशन। साउथर्न ईस्टर्न एशिया में एलिफेंट से मौत काफ़ी आम सजा थी, जो मेडिवियल एज से अर्ली 19th सेंचुरी तक भी चली आ रही थी, जिसे गुंगा राव भी कहा जाता है। इस सजा में भारी जीव इंसान के सर पर अपना पैर रखकर उसको चकनाचूर कर देता था। टैक्स इवेजन, चोरी जैसी आम जुर्म की भी यही खतरनाक सजा दी जाती थी। हेड स्टोम्पिंग के अलावा भी इन हाथियों को ट्रेन किया जाने लगा था मुजरिम को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। ये हाथी बहुत आसानी से ट्रेन हो जाते थे, इसलिए इनको ऐसी दर्दनाक सज़ा देने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आप सभी को इन सभी 5 सजाओं में से कौन सी सज़ा सबसे ज़्यादा भयानक और दर्दनाक लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए।